हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम मैथ में नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे जिसका 3 टाइप हो चुका है। इसका मतलब कि 3 टाइप के हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और आज हम चौथा टाइप डिस्कस करेंगे। जब हम सारे टाइप को कवर कर लेंगे तब हम इस चैप्टर का बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, आज हम चौथे टाइप में विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस टाइप को। देखिए फ्रेंड्स, टाइप नंबर 4 क्या है? विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, विभाज्यता के नियम में क्या है? देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई अगर आपको कह दे इतनी बड़ी संख्या दे दे, मान लीजिए इतनी बड़ी संख्या दे दे कोई, और पूछे किससे विभाजित है, तो आप और ऑप्शन दे दे 3, 4, 6, 8, मान लीजिए कुछ और दे दे, यहाँ पे 2 दे दे और यहाँ पे 7 दे दे दोस्तों, और यहाँ पे 9 दे दे, तो दे दे दोस्तों, और इसमें से पूछे किससे यह संख्या विभाजित है, तब तो आप लोग सॉल्व करते करते टाइम बीत जाएगा, 3-4 मिनट लग जाएगा। तो दोस्तों, इसे सॉल्व करने के लिए मैं आपको कुछ नियम बताऊंगा जिसे आप कॉपी पे लिख लें। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे कोई संख्या ऐसी है जो 2 से विभाजित है, या हमें कैसे पता चलेगा? देखिए दोस्तों, कैसे पता चलेगा? जब संख्या का लास्ट डिजिट 2, 4, 6, 8, इसका मतलब कि सम संख्या हो, कि संख्या का लास्ट डिजिट, किसी संख्या का लास्ट अंक अगर 2, 4, 6, 8 या फिर 0 हो, तो संख्या दोस्तों किससे विभाजित है? 2 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए मैं कोई संख्या ले रहा हूँ, इसी संख्या को मैं ले रहा हूँ, इसी संख्या को मैं ले रहा हूँ, तो देखिए दोस्तों, यह संख्या जो है 2 से विभाजित हो जाएगी, क्यों? क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 2 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट 2, 4, 6, 8 या फिर 0 हो, तो दोस्तों तो संख्या किससे विभाजित रहेगी? 2 से। इसका मतलब अगर सम संख्या हो लास्ट में तो 2 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है? 3 से विभाजित होने का नियम। ठीक है दोस्तों, 3 से विभाजित होने का नियम बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको बस यह याद रखना होगा कि अंकों का योग, जैसे कोई संख्या दे दिया, मान लीजिए यही संख्या है 81, 82, 91, 112, 2, यही संख्या है, तो यह 3 से विभाजित है या नहीं, इसे चेक करने के लिए हमें यह पता करना पड़ेगा कि अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाए। देखिए दोस्तों, जोड़ते हैं इसे, 8, 1, 9, 9, 8, 17, 17, 2, 19, 9, 28, 2, 30, 30, 3, 33। दोस्तों देखिए 33 है और यह 3 से दोस्तों देखिए डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, 11 बढ़ जाएगा। इसका मतलब यह है कि संख्या 3 से डिवाइड है। दोस्तों 3 से डिवाइड होने का क्या नियम है? 3 से डिवाइड होने का यह नियम है कि संख्या में उपस्थित अंकों का योग 3 का डिविजिबल हो। ठीक है दोस्तों, संख्या में उपस्थित अंकों का योग 3 का डिविजिबल हो, 3 से विभाज्य हो। ठीक है दोस्तों, तो 3 से उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा 3 से विभाजित होने का नियम। देखिए दोस्तों, अगला क्या है? 4 से विभाजित होने का नियम। 4 से विभाजित होने का नियम के लिए आपको बस यह याद रखना रहेगा कि लास्ट का 2 डिजिट, देखिए कोई संख्या मैं ले रहा हूँ 18, 12 और मान लीजिए 24, मैं संख्या ले लिया, कोई ऑप्शन दे दिया कि यह किससे विभाजित है, मान लीजिए ए ऑप्शन दे दिया 4, बी ऑप्शन दे दिया 3, सी मान लीजिए कुछ और दे दिया, तो किससे विभाजित है? तो इसे पता करने के लिए अगर पहला ऑप्शन चेक करेंगे तो 4 का भाग जाएगा नहीं, तो लास्ट के 2 डिजिट में हम भाग देंगे। लास्ट का 2 अंक क्या है दोस्तों? 24 है, 24 है, इसमें 24 में भाग देंगे 4 का, तो 6 बढ़ जाएगा यानी कि कट गया। तो लास्ट डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो संख्या किससे? 4 से पूरी संख्या विभाजित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। इस बात को आप नोट कर लें। हम अगले वाले वीडियो में ये विभाज्यता पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, अभी इसका कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 5 से विभाजित होने का नियम। 5 से विभाजित होने का नियम क्या है दोस्तों? बहुत ही आसान है। देखिए दोस्तों, अंतिम अंक 0 या फिर 5 होना चाहिए। अंतिम अंक अगर 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से विभाजित है दोस्तों। जैसे मैं ले रहा हूँ मान लीजिए 63, 40, 45 ले लिया। ठीक है दोस्तों, तो यह संख्या 5 से विभाजित है, क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 5 आया है। अगर मैं इसकी जगह ले लूँ 73, 55 ले लूँ और ले लूँ लास्ट में 778 ले लूँ, ठीक है दोस्तों, और 0 ले लूँ, तो 0 अगर है तो लास्ट में, तो यह संख्या 5 से विभाजित है। अगर मैं 0 हटा दूँ, सिर्फ यहाँ तक संख्या रहने दूँ दोस्तों, तो यह संख्या 5 से नहीं विभाजित होगी, क्यों? क्योंकि दोस्तों, क्योंकि इसकी लास्ट में 5 या फिर 0 नहीं है। तो आप 5 से विभाजित होने का नियम जान गए होंगे कि लास्ट में 0 या फिर 5 होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला देखते हैं, 6 से विभाजित होने का नियम।
206 से विभाजित होने का नियम। इसे याद करने के लिए आपको 6 से विभाजित होने के लिए आपको दो नियम याद रखना पड़ेगा कि 2 से विभाजित होने का नियम और 3 से। जैसे कोई अगर संख्या है दोस्तों, कोई संख्या अगर मैं ले लूँ, जैसे तीन संख्या में ले लूँ, जैसे कि पहला अगर 12 वाला संख्या ले लूँ, 31, 32, 6 दोस्तों, पहला संख्या में ले लिया 31, 32, 6। मान लीजिए कोई कहे 6 से विभाजित है या नहीं, इसे चेक करने के लिए दोस्तों आपको यह पता रहना चाहिए कि यह 2 से विभाजित हो रहा है या नहीं, या 3 से। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि यह दोनों नियमों को पता रहना चाहिए। तो इसका मतलब क्या, देखिए इसका मतलब यह है दोस्तों कि 6 से विभाजित होने के लिए, 6 से विभाजित होने के लिए संख्या का 3 से और 2 से, दोनों से विभाजित होना बहुत ज़रूरी है। मतलब दोनों से विभाजित होना अनिवार्य है दोस्तों, दोनों से विभाजित होना अनिवार्य है, ठीक है दोस्तों। 3 और 2 से दोनों से विभाजित होना अनिवार्य है। देखिए इसे चेक करते हैं क्या यह 2 से विभाजित है। देखिए लास्ट डिजिट 6 है, 6 सम संख्या यानी कि यह 2 से विभाजित तो है, ठीक है दोस्तों। यह 2 से विभाजित है संख्या, यह 31, देखिए दोस्तों 31, 32 और 6 यह संख्या जो है 2 से डिवाइड हो जा रही है इसका। लेकिन इसे चेक करते हैं क्या 3 से डिवाइड है, क्या डिविजिबल है। देखिए दोस्तों इनका योग जो होता है ना, संख्याओं का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। 3 × 4 = 4, 3 × 7 = 7, 2 × 9 = 9, 6 = 15 दोस्तों 15 आ रहा है, और 15 आ रहा है दोस्तों, तो ये 15 क्या 3 से विभाजित है दोस्तों। हाँ 15 3 से विभाजित हो जा रहा है, यानी कि यह संख्या जो है 31, 32, 6 यह संख्या 6 से विभाजित है, ठीक है दोस्तों। एक और संख्या ले लेते हैं दोस्तों, जैसे कि एक और संख्या ले ले रहा हूँ मैं, 11, 26, 18 दोस्तों यह संख्या ले ले रहा हूँ। इसे अगर हम चेक करेंगे दोस्तों तो यह देखिए लास्ट में 2 आ रहा है, यानी कि 2 से कट जाएगा संख्या, ठीक है। 2 से तो विभाजित हो गया, 2 से हमें पता चल गया विभाजित हो गया, लेकिन क्या 3 से विभाजित है दोस्तों। अंकों का योग करेंगे, 2 × 2 = 4, 4 × 6 = 10, 10 × 11 = 8, 11 × 8 = 19, 19 × 2 = 21 दोस्तों। 21 क्या होता है 3 से विभाजित होता है दोस्तों, कट जाएगा, इसका मतलब यह भी संख्या 6 से विभाजित है, ठीक है दोस्तों। एक और चेक करते हैं दोस्तों, एक और संख्या ले लेते हैं हम चेक करते हैं एक और संख्या, जैसे कि 21, 12, 2 अगर कोई दोस्तों कहे 6 से विभाजित है या नहीं, तो इसे चेक करने के लिए हम चेक करेंगे 2 या 3 से दोनों से विभाजित होना चाहिए या नहीं, कि दोस्तों 1, 2 से विभाजित हो गया तो वह संख्या विभाज्य है, 6 से विभाजित है। नहीं दोस्तों 2 और 3 दोनों से विभाजित होना बहुत जरूरी आवश्यक है, ठीक है दोस्तों। तो 2 से तो यह संख्या विभाजित हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 2 है, सम है, लेकिन क्या है 3 से विभाजित है। इसे चेक करने के लिए अंकों को जोड़ते हैं, 3 हो जाएगा 2 × 3, 3 × 4, 4 × 2 = 6, 6 × 2 = 8 दोस्तों 8 आ रहा है, क्या 8 3 से कटेगा, नहीं कटेगा दोस्तों। तो दोस्तों यह संख्या 6 से विभाजित नहीं है, 6 से विभाजित होने के लिए 2 और 3 दोनों से विभाजित होना अनिवार्य, ठीक है दोस्तों। तो यह रहा, मैंने आज बता दिया आपको 2, 3, 4, 5, 6 से विभाजित होने का नियम बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपसे डिस्कस करूँगा 7, 8, 9 उसके बाद 10, 11 से विभाजित होने का नियम दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आपसे इन सब अंकों पर डिस्कस करूँगा। देखिए दोस्तों 2 से विभाजित होने का नियम यह है कि लास्ट संख्या सम हो और 0 हो, और 3 से विभाजित होने का नियम यह है कि संख्याओं के अंकों का योग 3 से डिवाइड हो। 4 से नियम यह है कि लास्ट 2 डिजिट जो है 4 से डिवाइड हो, और 5 से विभाजित होने का यह नियम है कि अंतिम अंक 0 या फिर 5 हो, और 6 से डिवाइड होने का यह नियम है कि 3 और 2 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं कमेंट करके, अगर कोई कमी हो वीडियो में तो आप बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।